हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और भाई ज्यादा भड़क मत कर, गाड़ी मैं ही चलाऊंगा। गाड़ी भाई मैं चलाऊंगा। तू क्यों चलाएगा यार? ये तो बात हुई यार भाई साहब, देख लो यार, ये जब भी मैं गाड़ी में बैठू ना, कहता गाड़ी मैं चलाऊंगा, ये कोई बात हुई? गाड़ी का स्टीयरिंग है मेरे हाथ में। ओ, मेरे हाथ में भी स्टीयरिंग है। ले जो तेरे से होता हो कर ले। ले भाई ले। ओए भाई, आज हम चलाएंगे दो स्टेयरिंग से गाड़ी, लेकिन इस स्टेयरिंग से गाड़ी चलती नहीं है, स्टेयरिंग से सिर्फ इसी चलती है। और कंपनी से स्टेयरिंग के वाला आता है, इसको हमने चेंज करवा लिया है, लगवा लिया है टॉप मॉडल का स्टेयरिंग व्हील। आज हम इसी स्टेयरिंग व्हील के बारे में बात करेंगे कि स्टेयरिंग व्हील का क्या रिस्पॉन्स है, क्या इसको बदलवाने से वारंटी वॉइड होती है, क्या इसको बदलवाने से कंट्रोल और हैंडलिंग में कोई फर्क पड़ता है, क्या इसको बदलवाने से सारे जो इस पर कंट्रोल दे रखे होते हैं वो चलते भी है या नहीं, तो इसी के बारे में बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सामने वाला सोचेगा भाई क्या कर रहे हैं दोस्त। ले भाई, गाड़ी के बाहर लोग देख रहे हैं कि भाई स्कूल वाले हैं दोस्त, ये कैसे भाई दो स्टेयरिंग वाली गाड़ी कैसे है? देखो भाई, दो स्टेयरिंग वाली गाड़ी होगी, बाहर से लोग ना देखते हैं। ये अंकल भी देख रहे हैं, सामने ट्रैफिक कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये क्या हो रहा है जी। राइट साइड भी ड्राइविंग है, यहाँ भी ड्राइविंग है। ये देख अंकल देख रहे हैं। लो गाइस, दो स्टेयरिंग से गाड़ी चल रही है। बिल्कुल रियलिस्टिक फील आ रही है। और ये दो स्टेयरिंग से गाड़ी चल रही है क्या? चलो गाइस, बैक टू द टॉपिक। जो बेस मॉडल में गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील आता है वो कुछ ऐसा स्टेयरिंग व्हील आता है। इसके बीच का जो ये होता है ना, जहाँ पे एयर बैग लगा होता है और हॉर्न लगा होता है, वो तो इसमें एज इट इज वही है जो बेस मॉडल वाला है। लेकिन जो ये बाहर की आउटर कवरिंग है ना, ये लगवा ली हमने टॉप मॉडल ZXi प्लस वाली। और इसके कंट्रोल्स जो है वो सिर्फ ये चलते हैं, ऑडियो वाले। देखो बस ये चलते हैं, म्यूट चलता है, जो ये कॉल उठाने वाले बंद करने वाले चलते हैं, लेकिन क्रूज मोड एक्टिव नहीं है। बाकी सब कुछ चलाने में इसकी फील बढ़ चुकी है, इसमें लेदर स्टिचिंग मिल जाती है जो कि इसमें नहीं मिलती थी। इसमें देखो ये बिल्कुल ब्लैक ब्लैंक स्टेयरिंग है, लेकिन ये सिल्वर फिनिश के साथ साथ में लेदर स्टिचिंग के साथ बढ़िया स्टेयरिंग है, जो कि ZXi नहीं ZXi प्लस में आता है। तो भाई ये वाला स्टेयरिंग लगा के ना गाड़ी की ना इतनी फील बढ़ चुकी है, ऐसा लग रहा है बेस मॉडल नहीं हम टॉप मॉडल चला रहे हैं। तो ऐसे लेते हैं बेस मॉडल में टॉप मॉडल का मजा। तो गाइस चेक करो और बताओ ये स्टीयरिंग व्हील आपको कैसा लग रहा है? क्रूज मोड लग गया, देख मेरे पैर ऊपर है और सिर ऊपर कट गया क्रूज में। ये सिर्फ रियल लाइफ है, ये रियल लाइफ नहीं है, क्योंकि बेस मॉडल में क्रूज मोड नहीं एक्टिव होता। अगर होता ऐसे करवाना चाहे हो जाता है, अगर होता हो तो गाइस मुझे बताना, मुझे नहीं करवाना एक्टिव, जिनको करवाना वो करवा सकते हैं। हमने तो बना लिया अपनी LXi टू ZXi प्लस। क्या आपकी ब्रदर में भी ये वाला स्टीयरिंग है या आप अभी भी बेस मॉडल वाला स्टीयरिंग व्हील चला रहे हो? क्योंकि यार इसमें देखो पता है क्या है, इसमें ना कोई कंट्रोल्स है, देखो ना कोई कंट्रोल्स है ना कुछ है, बिल्कुल सिंपल सा ना। इसमें लेदर स्टिचिंग है, रबड़ का स्टीयरिंग है यार, इसको ना देखकर बिल्कुल भी मजा सा नहीं आता था। तो हमने इसको ऐसे फेंक दिया और हमने लगवा लिया इसमें टॉप मॉडल का स्टीयरिंग। सिर्फ स्टीयरिंग व्हील लगाने से भरा भरा कंसोल हो गया अपना, से सारे कंट्रोल्स आ गए। ये कंट्रोल क्रूज मोड वाला नहीं चलता, बाकी सब चलता है। और जो बीच का पार्ट होता है वो एज इट इज रहता है। तो अगर गाइस आप लगवाना चाहते हो, ये तो बेस्ट एसेसरी है भाई, इसको जरूर लगवाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस। और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट दिखाते रहना और बताना नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे होनी चाहिए। बाय।